गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्टिंग डेली करंट अफेयर क्लास। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? ये 24 अप्रैल को मनाया गया है। अब अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिनों की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल को विश्व RBI का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। 6 अप्रैल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, वन हेल्थ वन फैमिली। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, विश्व पार्किंसन दिवस। 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अप्रैल विश्व चागान रोग दिवस। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल हाथी बचाओ दिवस। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस। 20 अप्रैल चीनी भाषा दिवस। 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल विलियम शेक्सपियर की जयंती। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने RBI के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की? कैनरा बैंक ने इसकी साझेदारी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 1 बिलियन मील इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया? UAE। सबसे बड़ी विदेश एयरलाइंस के रूप में एमिरेट्स एयरलाइंस उभरी है। UAE के डैश डिजिटल फ्लैग V3 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। UAE के प्रधानमंत्री ने अल मिहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में UAE सीरीज पर किया। UAE के पहले ग्लोबल इंडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में की गई। 41वें शारजहाँ अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ UAE में किया गया। अगली स्लाइड्स के ऊपर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना? मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। 5 दक्षिण एशियाई देशों में मध्य प्रदेश की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने। मध्य प्रदेश की गोड पेंटिंग को GI टैग मिला। 3रे दिव्य कला मेले का उद्घाटन भोपाल में किया गया। माऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोमन देवरा कौन से पदक जीता है? नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी KL राहुल। विजिटन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेट हरमनप्रीत कौर। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज सकीबुल हसन बांग्लादेश के। BCCI ने टाटा IPL 2023 के हर्बा लाइफ को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया? मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुनु थांडो संस्कृत उत्सव का उद्घाटन किया है। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 5 दिवसीय याशांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया। मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया गया है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी? कोची केरल के। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में HSBC इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विराट कोहली को। लुक्सर के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने। वैकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने। पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्कूल में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के AI मशीन स्थापित की गई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू की गई। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के 4% आरक्षण की घोषणा की। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे BMEL लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया? शांतनु राय को नियुक्त किया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक द्वारा रणधीर ठाकुर को MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कारक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जज तरलोक सिंह चौहान नियुक्त किए गए। मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में J. Bantu Devanand ने शपथ ली। LIC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में
अब रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया गया। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने केनिची उमेदा को नया MD नियुक्त किया है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में किस देश में फंसे भारत लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू? सूडान में। हाल ही में बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? कार्सेल अलकराज। हाल ही में किस देश ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया? UK। ओलिवर डाउडन को UK के उप प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। UK ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को UK द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल में प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? सचिन तेंदुलकर के गेट के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए विशेष करके इम्पॉर्टेंट है। यही सहयोग और प्यार इस परिवार और YouTube चैनल या डाटा नितेश क्लासेस के ऊपर बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।